यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री सबसे पहले बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और न्यायिक परिसर में प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो प्रवेश में होने वाली हर लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रदेश के अन्य जिलों में बार एसोसिएशन के कार्यक्रमों में एक ही बार पहुंचे हैं, परंतु करनाल में वह तीसरी बार आ रहे हैं। इस अवसर पर करनाल बार एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के सामने रखी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि करनाल में उनके व्यस्त कार्यक्रम के अंतर्गत कई विकास कार्य के शिलान्यास व उद्घाटन आचार संहिता लगने से पहले ही किए जाने थे। इसी क्रम में आज करनाल में विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ करनाल के विधायक भी हैं, इसीलिए उनका करनाल के लोगों के बीच रहना है। उन्होंने कहा कि पिछली बार वह 20-22 दिन ही चुनाव के समय में करनाल में ही रहे, परंतु इस बार उन्होंने पूरे प्रदेश को देखना है, जिसके लिए वह एक बार 90 से 90 हलकों में जाकर लोगों से जन आशीर्वाद ले चुके हैं। इसके उपरांत चुनाव घोषित होने के बाद भी वह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 5 साल में किए गए कार्यों के आधार पर वोट देने की अपील करेंगे। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सभी वकीलों के साथ जज भी मौजूद रहे। विधानसभा के नाते से मैं यहाँ का विधायक भी हूँ और स्वाभाविक है कि अभी जो चुनाव आए हैं मुझे कुछ समय चुनाव से पूर्व यहाँ लगाना ठीक लगता है, तो आज दिन भर के मेरे कुछ कार्यक्रम हैं और उसमें पहला कार्यक्रम बार एसोसिएशन का है। अभी शुगर मिल का भूमि पूजन का कार्यक्रम है, बाद में कुछ उद्घाटन शिलान्यास भी हैं। तो इस प्रकार से आज दोपहर के बाद के कार्यक्रम भी मैंने रखे हुए हैं। एक दिन मैं फिर भी जल्दी आने वाला हूँ, कुछ कार्यक्रम उसके लिए करेंगे। सर उद्घाटन करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है, फिर आज कुछ जो विषय पेंडिंग थे उन सब के क्लियरेंस हो गई है, उसके कुछ के टेंडर लग जाएंगे और आज उनके शिलान्यास कर दिए, कुछ टेंडर लग गए हैं। सर आपके चुनाव आचार संहिता से पहले पहले ये काम पूरे होने वाले। सर 75 पार का नारा दिया था जन आशीर्वाद यात्रा में, किस तरह का जन समर्थन मिला है, किस तरह की जनता का जितना समर्थन मिल रहा है आप लोगों ने भी देखा होगा सर, और अभूतपूर्व एक समर्थन मिला है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो हमने 75 का अपना अनुच्छेद रखा है। सर हुड्डा और शैलजा के से कोई फर्क पड़ेगा सर? ये मुझे लगता है कि केवल मोहरे बदलने वाली बात है जी, तो इसलिए कोई अंतर पड़ेगा ऐसा नहीं। सर संगठन का काम है अलग ही, तो कब तक घोषित हो जाएंगे कैंडिडेट? सर काफी सिफारिशें बहुत आ रही हैं, कोई आपकी सिफारिश होते कर दे दो। सर टिकटों को लेकर कल मीटिंग हुई थी रात, मंथन हुआ था, उसको कब तक टिकट? चुनाव अभी घोषणा नहीं हुई, चुनाव घोषित होगा, अभी एक्सरसाइज चलती है, लोग आते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो लोग टिकटों के लिए आएंगे उनसे मिलेंगे, उनके बैठ आएंगे, फिर हमारी मीटिंग होगी इंटरनल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर प्रदेश लेवल पर, अल्टीमेटली पार्टी का जो हमारा वो है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर फाइनल करता है, वो तो जाकर के कहीं चुनाव जब घोषित हो जाएंगे उसके बाद कुछ भी लाइकों की टिकट कटनी, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है सर। एक्साइज एंड सेल टैक्स को भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, अभी हाल ही में ना 3 को सस्पेंशन के ऑर्डर भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ के DETC मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं जी, पिछले 2 साल से पहले से भी चार्जशीट है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दोष में इंक्वायरी के बाद अगर थोड़ा भी उसका संलिप्तता पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब हमारे पास कम से कम जो शिकायत आई है जी, उसके आधार पर प्रारंभिक हमने जो एक्शन लेना था ले लिया है, अब उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसका जो सामने आएगा जिसकी भूमिका मिलेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।